वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए हाय, ताकि आप लोग हर नोटिफिकेशन पा पाए। डॉल्फिन का मेन गेट है ये, देखो यहाँ पर हम लोग अभी आए हैं पिकनिक मेरे टीम मेंबर के साथ। ये देखो तो इसका ये मेन गेट है और इसके बाद इसके अंदर ही जाएंगे, अंदर हम लोग जाएंगे, अंदर का दिखाऊंगा। ये डॉल्फिन का दर्शन तो जा रहे अंदर। ये मैंने इसका मेन गेट है, मेन गेट से एंट्री पड़ता है यहाँ पर। वही बहुत सारे है लोग हैं मेरे टीम मेंबर का, टोटल ओवर 300 एम्प्लॉय आए हैं फर्स्ट बैच में, आगे का भी आएगा सेकंड बैच में। तो इसका ये फर्स्ट बैच है, इसका बाहर का कंपनी देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है। बस वो मेन गेट है इसका, इसके अंदर का ये पूरा तो पार्किंग है यहाँ पर, और वहाँ से एंट्री है डॉल्फिन के अंदर का पूरा बिल्डिंग है। ये बाहर का है यहाँ पर, और आगे का भी ये बाहर का है, और यहाँ पर से ना आपको मैं ये दिखाता हूँ कितना अभी शांत है, लेकिन अंदर आपको दिखाऊंगा कि बहुत अच्छा है इसका डेकोरेशन है अंदर में, और बहुत अच्छा ये डेकोरेट करके रखा है अंदर में। देखिए बहुत सा इधर पार्किंग है पूरा, अंदर का है डॉल्फिन के अंदर का एंट्री का पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा ये सजा हुआ है, ये पॉइंट देख सकते हो कितना सजा करके है। हाँ जा हाय। हाँ अमन जी है, और इसको हम प्यार से दीपक सर बोलते हैं, क्योंकि दीपक सर का ये पोजीशन लिया है हम लोग के साथ है, मेरा टीम मेंबर है और हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो इधर आए अभी यहाँ पर सब एंट्री चल रहा है सबका, और एक मेरा इधर दो इधर है, देखो इधर से एक है आ गया खा के फिर बड़ा अच्छा से। हेलो चैनल, वेलकम टू माय फ्रेंड्स। हाँ ये मेरा आकाश है, और ये एटीएम से रिलेटेड पर देखता है किसी को हम लोग आ चुके हैं डॉल्फिन के अंदर में, और यहाँ पर अभी देखिए लंच का व्यवस्था है, और लंच में दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। इधर देख सकते हो अभी सूप है, सूप है, टमाटो सूप है, जो पीना चाहिए ये पी सकते हो। इधर से कब भाई किधर थे तुम? मेरे दोस्त अभी आया था, कौन से बस में था, कौन से बस में? वाशी वाले में मैं भी था, फर्स्ट बस में था। अभी सूप पीते हैं हम लोग, और फिर आगे आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या कर सकते हैं डॉल्फिन में। पहले तो ब्रेकफास्ट लंच करके उसके बाद देखते हैं खाने का व्यवस्था है। इधर सलाद है, अपन उसके बाद आगे कब दिखाता हूँ। ये क्या है? ये है रशियन सलाद। पनीर मसाला है, ये दाल, ये करी है। तो गाइस यहाँ पर डॉल्फिन के अंदर हम लोग का रूम लोकेट हो चुका है। मैं बाहर का पहले दिखा दो, देखो यहाँ से कितना क्लीनिंग है, इस इधर भी इधर कितना अच्छा पेंटिंग किया हुआ है, उधर वो साइड से आपको दिखेगा, वो आपको दिखा दो कितना अच्छा दिख रहे हैं यहाँ से। और हम लोग का अभी रूम जो एलोकेट हुआ है आपको दिखाता हूँ कैसा है, तो चलते हैं रूम के अंदर और दिखाता हूँ कैसा है। तो चलते हैं अंदर, ये मैं आप लोगों को 1008 लेकर हुआ था, तो अभी हम रूम दिखाते हैं आपको, और रूम कैसा हम लोग को मिला है अभी। तो आप देखते हैं इधर रूम का हम लोग को 1008 रूम नंबर है, और यहाँ पर एंट्री पॉइंट है। तो एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर ना कितना अच्छा क्लीन रूम मिलेगा, ये देखिए मेरी क्लीन है, पूरा इस कटिंग किया हुआ है, पूरा क्लीन है एकदम। जो फाइव स्टार में होना चाहिए वो सब क्वालिटी रूम के अंदर है। इतना अच्छा उधर पेंटिंग किया हुआ है, ये देख सकते हो पूरा पेंटिंग मीडियम लाइट किया हुआ है, और इधर देख सकते हो इधर भी लाइटिंग है, और बेड लगा हुआ है इधर। और इसके आगे आपको मैं दिखाता हूँ इधर बालकनी, ये देखिए इधर बालकनी है, बालकनी खोलने में यहाँ पर अच्छा व्यू दिखता है इधर, ये देखिए व्यू है। और मैं इसको जब खोलूंगा यहाँ से, जब अंदर खोलेंगे तो ये देखिए बालकनी दिया हुआ है, यहाँ से खोलेंगे तो बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद यहाँ पर कितना सा व्यू मिल रहा है। ये दर्जन का मेन एरिया का व्यू है, यहाँ से पूरा आप देख सकते हो मेन एरिया का व्यू यहाँ पर।
यहाँ पे देखिए अभी टेबल लगा हुआ है, रात शाम के टाइम आप बैठ सकते हो। ये है इसका बालकनी है। अब फिर चलते हैं अंदर और अंदर आपको दिखाता हूँ वॉशरूम और टॉयलेट कैसा है, वहाँ पर क्या क्लीन रहता है। ये है यहाँ पर, तो अभी चलते हैं बाथरूम और वहाँ पर दिखाते हो रूम देखिए कितना अच्छा है। टेबल लिखा हुआ है, इधर सोफा लगा हुआ है, आप यहाँ बैठ के आराम से टीवी देख सकते हो। टीवी यहाँ पर लगा हुआ है, हम अभी ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं खुला से रखा हुआ है, ड्रिंक करना चाहिए ड्रिंक कर सकते हैं। और इधर कवर्ड है, कवर्ड में देखते हैं इधर ये है ATM कवर्ड है, यहाँ पर डिजिटल लॉकर भी है, डिजिटल लॉकर उस साइड में है इधर। यहाँ पर आपको उस वक्त कोई गोल्ड वोल है तो आप डिजिटल लॉकर रख सकते हैं यहाँ पर लॉक करके, वो है व्यवस्था। आप चलते हैं बाथरूम, बाथरूम देखते हैं कैसा आदमी दिन लग रहा है। तो बाथरूम देख के हमको देखने से लग रहा है लेकिन एक नॉर्मल है घर से अच्छा है, जो नॉर्मल बात उससे तो लाग होना अच्छा है, एक फाइव स्टार में जो होना चाहिए। देखिए इधर बाथरूम है, इधर शॉवर रूम है, इधर आप स्नान कर सकते हो और इधर टब है, इसे आप आराम से सो के स्नान कर सकते हो। कितना चाहिए रूम में एक ग्लास लगा हुआ है सबका। तो एक रूम का जो क्वालिटी होना चाहिए एक फाइव स्टार होटल में वो अभी मिल रहा है। तो आप लोग को पता ना ये कैसा रूम, रूम का फीडबैक्स मैं आप लोग को दिखा दिया, हम लोग कैसा रूम मिला होता। हम लोग आज भी रहेंगे, आज वन नाइट का हम लोग का इवेंट्स है तो इससे रूम में अभी रहेंगे। तो आगे का इवेंट्स हमको दिखा आप लोग को दिखाते हैं, पहले तो रूम का दिखा दिया, आगे हम लोग यहाँ से फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद हम जाएंगे इवेंट्स में, इवेंट्स हम लोग का स्टार्ट होगा। आज दूसरा दिन है इस डेल्टन के अंदर में और मैं आपको दिखाता हूँ मॉर्निंग में अभी दूसरा साइड रह गए, जैसे कितना स्टैचू बना हुआ है आप देख सकते हो। इधर सोफा वोफा लगे, इधर बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो आप। ये इसके अंदर का डेकोरेशन है, मैं आप दिखाता हूँ डेल्टन के अंदर का डेकोरेशन आप देख रहे। इसका बार का है और इसके अंदर जो डेकोरेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो। इधर आप क्रिकेट का एरिया है और वो आप देख सकते हो, इधर आप इन हाउस से क्रिकेट प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये है इसके अंदर का, यहाँ पर अच्छे तरह से देख सकते हो, ऊपर भी दिखाया मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको दिखाया था वो डेल्टन के अंदर का व्यू था ऊपर से। अभी मैं नीचे में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है वो डेल्टन के अंदर, ये देख सकते हैं। और ये मेरे एक्सपीरियंस से ये कहता है कि यहाँ पर आप आओगे तो अच्छा से एंजॉय कर पाओगे, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन हम लोग का जो था ट्रिप वो कंपनी की तरफ से था तो कंपनी ने सब किया मैनेज किया था, तो हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा, हम लोग कंपनी की तरफ से आए थे तो सब कुछ उधर से मैनेज हुआ। तो वो ये है यहाँ का अंदर का, ये देखो तो यहाँ पर से आगे भी उधर टिंकी भाई इधर फूल लगे हुए हैं एक तरह का, ये देखो तो स्विमिंग पूल के अंदर जो गंदगी रहता है उसको साफ कर रहे हैं यहाँ से, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और अच्छे से जो फाइव स्टार होटल में रहना चाहिए वो सब व्यवस्था यहाँ पर है, ये देख सकते हो इधर। और आगे देखा तो मेरे टीम मेंबर अभी स्विमिंग पूल में है और क्या क्या कर रहे चले भाई तो सभी टीम मेंबर यहाँ पर अभी स्विमिंग पूल के स्नान है, हो गया स्नान आ जाओ, मैं करके आ गया, हो गया स्नान, हाँ
बना बना हो गया स्नान। कैसा रहा? मस्त रहा, मस्त रहा। शरीर का सब दुख दर्द खत्म हो गया? दुख दर्द खत्म हो गया, जो रात में लिए दिए थे वो सब। 15-06-95 अभी तक नंबर। One, two, three, go! तो गाइस अभी हम लोग का पूरा टीम मेंबर, हम लोग का आज लास्ट डे है डेल्टिन का, तो सब टीम मेंबर अभी चेकआउट लेके अभी वेट कर रहे हैं बस का। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय शिवाजी, जय शिवाजी। सबने एंजॉय किया? कितना? बहुत। देखो कितना एंजॉय किया ये। तो गाइस ये डेल्टिन का ये ब्लॉग आप लोग कैसा लगेगा प्लीज देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करना और बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा और हमारे टीम मेंबर का एटीट्यूड और एंजॉयमेंट कैसा रहा ये भी आप लोग फीडबैक देना। और जो भी मेरे टीम मेंबर को पहचानते हो उसका आप कमेंट में नाम लिखना और कहाँ से देख रहे हो वो भी आप कमेंट में नाम लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय।